कोई आने वाला है? क्या कोई आने वाला है? बार बार द्वार की तरफ देखे जा रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। समाचार देवलोक से समाचार नहीं आया? समाचार या नारद? नारद कहिए या समाचार, समाचार कहिए या नारद, एक ही बात है देवी। अब तक तो आ ही जाना चाहिए था। समय तो हो गया है। इतनी देरी क्यों हो गई देवी? आपसे बात कर रहा हूं। देवी क्या हुआ है आपको? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ। देवी क्या हुआ? कुछ नहीं। ये देवी लक्ष्मी को आज क्या हो गया है? आज देवी सरस्वती को क्या हो गया है? देवी सरस्वती क्या हो गया? देवी सरस्वती को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनाने का प्रयत्न करता हूँ। देवी सरस्वती, देवी सरस्वती, क्या करूं? देवी सरस्वती। हाँ। सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ सब कुशल मंगल है। पार्वती बात तो सुनिए आप, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात ही नहीं सुन रही है। अब पार्वती, देवी, अब देवी बात तो सुनिए। पार्वती, देवी क्या हुआ? देवी किसका क्या हुआ? आपको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए पार्वती। ये देवी पार्वती को हो क्या गया है? स्वयं भोलेनाथ की बात नहीं सुन रही है पार्वती। देवी सरस्वती, देवी पार्वती, पता है नारायण मुझसे बार बार पूछते रहे, देवी लक्ष्मी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? मुझसे कितना बात करना चाहते थे, मैंने तो उनकी बातों में ध्यान ही नहीं दिया। भोलेनाथ भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। देवी पार्वती, देवी पार्वती सुनिए तो, पर मैं अपने कार्य में लगी रही। और पता है मैंने तो ऐसा अभिनय किया कि जैसे मुझे ब्रह्मदेव की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही हो। एक बार तो जोर से बोले देवी सरस्वती, मैंने गुस्से में कहा। हाँ ऐसी आवाज में बोले, सब कुशल मंगल तो है ना? सच में आज हमने हमारे स्वामी को चौंका दिया। हाँ देवी पार्वती, मैंने ना आज तक मेरे नारायण को कभी ऐसा सताया नहीं, किंतु आज बहुत मजा आया। वो सोच रहे होंगे कि हम तीनों को आखिर हुआ क्या है। अच्छा तो ये बात है। जब तक कि ये बात किसी को बता नहीं देता पेट में पीड़ा रहेगी। क्या करूं क्या करूं? ऐसा हो नारायण। अविश्वसनीय, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमें तो ये लगा था कि देवी पार्वती को कोई आवश्यक कार्य है, परंतु नहीं, कोई आवश्यक कार्य नहीं था उन्हें। मुझे तो ऐसा लगा जैसे देवी सरस्वती को मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। आपकी आवाज से तो बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक जाती हैं, और देवी देवी को कोई असर नहीं हुआ। हुआ ना, मेरी आवाज के सामने देवी सरस्वती का उत्तर मेरी आवाज से भी अधिक दमदार था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मेरा गला ही बैठ गया। ओह, बैठा तो मैं भी अपने आसन में था, पर पर लगता है देवी लक्ष्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्हें वैद्यराज जी को दिखाना होगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। कोई आवश्यकता नहीं है उनको वैद्य के पास ले जाने की। क्यों? मैं वो हुआ ना पेट में दर्द? क्या हुआ? जो बात है उसको उगल दो। प्रभु तीनों देवियां आप तीनों को सता रही हैं। क्या क्या क्या? हाँ मैं अभी अभी अपने कानों से पूरी बात सुन के आ रहा हूं। हाँ ये सुनिए। हाँ अब शांति मिली। ओह तीनों देवियाँ तो बहुत चालाक हैं। हाँ प्रभु पर आप कहाँ कम हैं। मथुरा में कृष्ण अवतार लेकर आपने भी बड़ी रास लीलाएं रची हैं। मैं तो कहता हूँ आप तीनों भी उन तीनों को सबक सिखाइए। उन्हें भी पता चल जाए कि त्रिदेव भी कुछ कम नहीं। दम है नारद की बात में, दम है। तो हम भी कहां किसी से कम हैं। चलो करते हैं कुछ कमाल। नारायण। त्रिदेव देवियों को सबक सिखाने के लिए योजना बना रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव यदि मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन्हें वो सबक सिखाता। गुरुदेव पूछिए ना कौन सा सबक सिखाता। हाँ हाँ बोलो तारकासुर, कैसा सबक सिखाते तुम? तो? मैं उन्हें वो सबक सिखाता गुरुदेव कि सभी देवतागण याद रखते। तारकासुर तारकासुर क्या करते अगर तुम्हारे पास सभी शक्तियां होती तो? गुरुदेव मैं उन्हें बच्चा बना देता जिससे सभी को यह पता चलता कि त्रिदेव यदि बच्चे हो जाए तो कैसे दिखेंगे गुरुदेव। तारकासुर। हाँ गुरुदेव मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी किए देता। मैंने कभी अपनी तपस्या से बाल रसायन नामक विद्या प्राप्त की है जो कि एक द्रव्य के रूप में है जिसे छिड़कने से कोई भी बाल स्वरूप में हो जाता है। गुरुदेव वो बाल रसायन विद्या जल छिड़किए ना उनपे, छिड़किए और बना दीजिए इन्हें बालक गुरुदेव। दानवों की रक्षा करना मेरा धर्म है दानवराज। पर लेकिन परंतु क्या गुरुदेव? परंतु वो त्रिदेव के साथ साथ नारद भी है। तो उसे भी बच्चा बनाइए उसे बच्चा। वैसे भी वो हमेशा बच्चों जैसा व्यवहार करता है, उसे बड़े होने का कोई हक ही नहीं है गुरुदेव। ठीक है तारकासुर अभी देखो हम कैसे उसे बच्चा बना देते हैं। गुरुदेव गुरुदेव आप धन्य हो। गुरुदेव आप धन्य हो। माला बनानी है, किंतु फूल ताजे ही नहीं हैं। अरे बालक, तुम कौन हो? मैं नारायण हूँ देवी लक्ष्मी। आप नारायण हो? अरे बालक, तुम ये ब्रह्मदेव का रूप लेकर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि मैं ही ब्रह्मा हूँ। अच्छा, तुम और ब्रह्मा? क्या मैं ब्रह्मा नहीं हूँ? तुम और ब्रह्मा? बिल्कुल ब्रह्मा जैसे दिखते हो। ये भोलेनाथ कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। इसने कहा हम नहीं आएंगे, लो हम आ गए। स्वामी, स्वामी। कौन है आप? मैं भोलेनाथ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल मेरे परम मित्र नारद के बाल रूप हो, बाल रूप। कुछ 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 प्यारे प्यारे लग रहे हो। वाह वाह वाह। मैं नारद ही हूँ चिंगू। नहीं नहीं, तुम प्यारे प्यारे छोटे छोटे नारद हो। मैं बड़ा नारद, बड़ा नारद, बड़ा नारद हूँ। मैं बड़ा नारद हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, बस बस बस। तुम बड़े नारद हो। हाँ, बड़े नारद मेरे प्रभु, बड़े नारद। ठीक है, नारायण नारायण। त्रिदेव हो गए बच्चे। गुरुदेव बड़े भगवान बने फिरते थे, अब हाथों में छोटा त्रिशूल और छोटा चक्र लेके घूमते रहेंगे। और कोई भी देवता इन्हें पहचान नहीं पाएगा। गुरुदेव आपका बहुत बहुत आभार गुरुदेव कि आपने मेरी बात मानकर इन तीनों त्रिदेव और उस वीणा वादक नारद पर मंत्र जल डालकर बच्चा बना दिया। बहुत मजा आएगा गुरुदेव। आ तारकासुर, अब उनकी शक्तियां भी कम हो जाएंगी और उन त्रिदेव बच्चों की शक्तियां भी तुम्हें मिल जाएंगी। गुरुदेव, गुरुदेव, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञात हो गया कि मैंने उन्हें बच्चा बनाया तो? तारकासुर, उन्हें इस बात का ज्ञात भी नहीं होगा कि बड़े से बच्चा मेरे रसायन जल ने बनाया है। इसका अर्थ ये हुआ गुरुदेव कि वो अब बच्चे ही रहेंगे और वो नारद भी। नहीं तारकासुर, यदि उन्हें बड़े करने का रसायन मंत्र जल मिल गया और उनके ऊपर छिड़का गया तो ही वो बच्चे से बड़े हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और उस रसायन जल का पता केवल मुझे है, किसी और को नहीं। तो बहुत मजा आएगा गुरुदेव, और भी मजा आएगा। अरे बालक, तुम किसके बेटे हो? माँ का। अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम कैसे सवाल पूछो देवी लक्ष्मी? अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ से आए हो? अरे मैं नारायण हूँ देवी लक्ष्मी, आपका स्वामी। मेरे स्वामी। लगते तो बिल्कुल नारायण जैसे हो, वस्त्र भी उनके जैसे पहने हैं, हूबहू नारायण जैसे दिखते हो। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेरी भी बात कोई नहीं मान रहा है। बालक, आप ये मत कहना कि आप नारद हो। माते, मैं ही नारद हूँ। नारद, तुम समझाओ देवी लक्ष्मी को कि मैं कौन हूँ। प्रभु आप भी समझाइए कि मैं कौन हूँ। अरे आप नारद हो और आप मेरे प्रभु नारायण। हे भगवान, ये दोनों बालक हूबहू नारद और नारायण जैसे दिख रहे हैं। अरे मैं नारायण ही हूँ और मैं नारद। हे भगवान, क्या हो रहा है? जल्दी बताओ कौन हो तुम और चलो उतरो ब्रह्मदेव के आसन से। देवी सरस्वती, मेरा ध्यान भंग मत करो, मुझे ध्यान करने दो। आपको देखकर तो मैं भी ध्यान हो गई हूँ और आप ब्रह्मदेव नहीं है। और ये ब्रह्मदेव ना जाने कहाँ चले गए। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ देवी। जी नहीं, आखिरी बार कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। अरे मेरे कैलाश से मुझे ही भगा रही हो। ये कैलाश तुम्हारा कैसे हुआ? तो ये कैलाश किसका है? भोलेनाथ का। भोलेनाथ मैं ही हूँ। भोलेनाथ के कपड़े पहनने से कोई भोलेनाथ नहीं बन जाता। चलो जाओ यहाँ से, वहाँ से जहाँ से आए हो। तुम्हें कैसे समझाओ पार्वती। पार्वती मेरा नाम लेकर बुलाते हो, बड़ी हूँ मैं तुमसे। लेकिन तुम हो तो मेरी पत्नी ही ना। नंदी, नंदी इसे ले जाओ यहाँ से। अब इसे कौन समझाएगा कि मैं ही भोलेनाथ हूँ। मैंने कहा ना, मेरा पीछा मत करो। पर देवी लक्ष्मी, नारायण लक्ष्मी के पीछे ही आएंगे ना। देवी, मेरी बात मानो सरस्वती। ब्रह्मा हूँ मैं, ब्रह्मा, नारद का पिता। हाँ ये मेरे पिताश्री तो है। हाँ देवी, देखिए ना, देखिए ना देवी, दोनों एक समान ही लग रहे हैं। हाँ लगते तो है। हाँ एक जैसे तो होंगे क्योंकि ये मेरे पिताजी हैं। पर पार्वती तो मुझे ही भूल गई है। आप मेरा नाम लेकर मत बुलाइए। हाँ भोलेनाथ, आप तो देवी कह के बुलाते हैं ना पार्वती को। ये हम कहाँ फंस गए? अरे देवियों मेरी बात मानो, ये आपके भोलेनाथ, आपके नारायण और मेरे पिताश्री ब्रह्मा ही है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत देना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे देख कर भी नहीं लगता कि मैं ब्रह्मा ही हूँ। सारा समय मैं ध्यान किसका लेता हूँ बताओ? मेरे प्रभु नारायण का। क्या देवी, ये बात तो सिर्फ मैं ही जानती थी। आज सबको पता चल गया, नारायण नारायण। पार्वती, नंदी, कड़का, डमडम, चिंगू, भांग, चरसी, ये सारे मेरे ही शिवगढ़ है ना। और जो कभी आपकी बात नहीं मानता वो नारद का मित्र है। बात तो सत्य है क्योंकि ये वही है जो कैलाश के निवासी है और इन्हें प्रिय समाधि है। सिर पे चंद्र और गले में सर्प की माला निहारी है। देवी पार्वती, यही आपके भोले भंडारी है। नारायण नारायण। हाँ देवियों, ये हमारे स्वामी ही है। अवश्य ने किसी दानव ने बालक बना दिया है। ये पता तो लगाना ही होगा। हाँ देवियों। ये पराक्रम तो तारकासुर का है। हाँ, हम इन्हें संभालते हैं, किंतु हम में से किसी एक को भूलभुलैया जंगल जाकर वहाँ के कुएं से रसायन विद्या जल लाना होगा। पर ये जल लाएगा कौन? नारद। हाँ नारद। मैं? हाँ नारद, आपको ही भूलभुलैया जंगल जाकर वहाँ के कुएं से रसायन विद्या जल लाना होगा। नारायण नारायण। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।